दोस्तों नमस्कार। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये रमेश मूर्तिकार जी का पंडाल है, जहाँ पर ये गणेश प्रतिमाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हर साल बनाते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा था, सारी प्रतिमाएं गणेश भगवान की तैयार ही हो रही हैं, क्योंकि चार दिन बाद यहाँ से इनके जो ऑर्डर हैं और गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ दिन है वो चालू हो जाएगा। रमेश भाई, आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत लगती है इन मूर्तियों को बनाने में। और मैं इनके बाद एक और वीडियो डालूंगा माँ दुर्गा की, क्योंकि इन्होंने एक नया जो माँ दुर्गा का हंसने वाला चेहरा है उसको क्रिएट किया, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों की पसंद थी। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे गणेश प्रतिमाएँ तैयार होती हुई। इनका मैं नंबर, मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर जो आप किसी भी प्रकार की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, चाहे सीमेंट की हो, क्या क्या बनाते हैं रमेश भाई? सीमेंट की हो गई, और यानी कि हर मूर्ति अपन बनाते हैं, चाहे सीमेंट की हो गई, चाहे मिट्टी की हो गई, यानी कि मूर्ति का काम पूरा ही करते हैं। जी हाँ, और छोटी छोटी मंदिर भी बनाते हैं, इनके घर में भी इनकी शॉप है। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जब आप लोगों को किसी प्रकार की मूर्ति की आवश्यकता है, मंदिरों की छोटी आवश्यकता है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई की आपने हमें इतना इंटरव्यू दिया। आपको एक बार फिर से धन्यवाद। इस प्रकार गणेश भगवान जी का तैयारियाँ शुरू हो गई। आज से ठीक चार दिन बाद गणेश जी की स्थापना है, और यहाँ पर बहुत सारे गणेश मूर्ति पर काम चलता हुआ है। सभी कलाकार लगे हुए गणेश जी को तैयार करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई निराला दुबे जी। छोटी और बड़ी मूर्तियां सब, बल्लू भाई छोटी मूर्तियों को भी दिखलाइए आप। जी हाँ, सब बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखिए छोटी मूर्तियों के नज़ारे, और जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे उसका भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। अभी तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, और बस दो तीन दिन में ये काम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि देख के आप लोग कहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी। ये हमारे बिजबिजा के रमेश भाई की मूर्ति की ये एक शॉप है, जो कि हर साल बरही में लगती है। और ये देखिए कलाकार गणेश जी को तैयार करने के लिए, देखिए बहुत ही शानदार मूर्तियाँ, छोटी बड़ी सब प्रकार की। कुछ माँ दुर्गा की प्रतिमाएँ हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से काम यहाँ पर चलता हुआ भगवान गणेश जी की चार दिन बाद स्थापना होनी है, और सभी कलाकार मूर्तियों को तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई निराला दुबे जी भी मेरे साथ इस मूर्ति की दुकान पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कलाकार किस प्रकार से मेहनत करते हैं। और यहाँ कुछ छोटी मूर्तियाँ भी हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये छोटी मूर्तियाँ भी हैं। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो हम आपको कलाकार से ही मिलवाएंगे, और जो मेन कलाकार है उनसे भी मिलवाएंगे। और ये अभी जो छोटे छोटे कलाकार यहाँ पर काम करते हैं, देखिए उनका नज़ारा। जैसे कि जबलपुर से आए हैं भैया, इनसे मेरा थोड़ा परिचय हुआ था शुरू में। इन्होंने बताया था कि मैं जबलपुर का कलाकार हूँ, और ये तो हमारे क्षेत्र का ही कलाकार है, हमारे गांव के कलाकार। और बहुत बड़े कलाकार जसवाल जी, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अनुभवी भी हैं, और पूरी तरह मैं जैसे बता रहे हैं रात को 2 बजे तक अभी गणेश जी के ऊपर काम चलेगा। अभी ये कुछ थोड़ा सा काम शुरुआत हुआ है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, बहुत सारे ऑर्डर इनके पास मौजूद हैं, और सबको समय में तैयार करके देना है। बिच्चू भाई, 31 तारीख को स्थापना है, उसके पहले आप ये सब मूर्तियाँ रेडी कर देंगे? जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि 31 तारीख की तैयारी के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं सभी कलाकार। और गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन कलाकारों की मेहनत को देखकर? मैं तो उस छोटे कलाकार को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, और जब भी आता हूँ बल्लू भाई, तो इतना लगनशील है
मट्टी तैयार करने से लेके आँख खोलने तक का काम वो लड़का करता है छोटा वाला। जी हाँ, यहाँ कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतिमाओं में जान डाल दे, जान डाल दो। तो आइए मैं इस छोटे कलाकार से भी आपको मिलाता हूँ। ये देखिए उठो आओ, ये देखिए इस छोटे कलाकार की बात कर रहे थे पंडित जी अभी कि मूर्ति पर जान डाल देते हैं। आपको बता दूं ये जिनकी शॉप है रमेश मूर्तिकार जी की, ये उनके सपुत्र हैं। हाय बोलो भाई हमारे चैनल वालों को, हाय बोलो, हाय बोलो। ये देखिए ये उनके सपुत्र हैं जो कि अपने पिताजी के इस काम में गुलगित्ता मेहता के साथ हाथ उठा रहे हैं। और ये भी कलाकार बिल्कुल देखिए किस प्रकार से लगा हुआ और बिल्कुल अब आखिरी ताकत झोंकते हुए, और ये बड़े सीमांत जो कि अभी आपको सब वाइड वाइड दिख रहे हैं, बहुत सा काम बाकी है, इसके बाद ये सब रंगीन कलर्ड हो जाएंगे कि ऐसे प्रतिमा देखने को मिलेगी आपको कि आपको लगेगा कि क्या कलाकारी है।